नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशलपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे महिलाओं को बाल कब धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए। कुछ ऐसे विशेष दिन हैं, यदि उस दिन महिलाएं बाल धोती हैं तो घर परिवार पे, पति पे, बच्चों पे इसका बुरा असर पड़ता है। आइए इस बारे में जानते हैं। शास्त्रों के हिसाब से भारतीय समाज में नारी शक्ति का विशेष महत्व है। वहीं शास्त्रों में महिलाओं से जुड़े नियम भी बताए हैं। ऐसे ही कुछ नियम महिलाओं के बाल धोने को लेकर हैं। कहा गया है, अगर कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है तो इसका बुरा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। इसलिए महिलाओं को इस दिन अपने बालों को जरूर साफ करना चाहिए। इस दिन बाल धोने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। वहीं अगर आप एक बेटे की माँ हैं या आपको बेटा पैदा करने की इच्छा है तो आपको शुक्रवार के दिन अपने बाल जरूर धोने चाहिए। इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन बाल कटवाना भी शुभ माना जाता है। कुमारी कन्याओं को भूलकर भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। खासकर जिन लड़कियों के छोटे भाई होते हैं उन्हें बुधवार के दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जिन कन्या के छोटे भाई होते हैं उन्हें बुधवार के दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो कन्या के भाई होते हैं वो अगर बुधवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके भाइयों को कष्टों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बुधवार के दिन बाल न धोएं। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी शुभ प्रसंग या त्यौहार आता है तो महिलाएं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाती हैं और उन्हें कटवाने या धोने के पहले बिल्कुल नहीं सोचती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व पर, खासकर पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिनों में भी बाल नहीं धोने चाहिए और न ही कटवाने चाहिए। ये सभी कार्य आपको शुभ तिथि के पहले ही कर लेने चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी भी दिन व्रत रखती हैं तो उस दिन भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत करना है तो उससे एक दिन पहले केश धोकर पवित्र कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। और इसके अलावा विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में आपको बता दें कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, इसलिए इस दिन ना तो बालों में तेल लगाएं और ना ही बालों को साफ करें। तो दोस्तों, ये थे शास्त्रों के नियम महिलाओं के बाल धोने को लेके। उम्मीद है आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा। आप सभी ने अपना समय निकाला
इस पोस्ट को देखने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।